हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इनिशियो बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नहीं आठ मतलब एट कंपनी के रिजल्ट से रिलेटेड, और उन्होंने क्या क्या डिविडेंड दिया इससे रिलेटेड बातें करेंगे, कब डिविडेंड मिलेगा उससे रिलेटेड बातें करेंगे, एज वेल एज आगे का उनका देखेंगे कि वो कंपनी आगे चल के किस तरीके का परफॉर्म कर सकती है। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। बट बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अभी दो वीडियो यहाँ पर अपलोड की गई है, यहाँ पर देख लीजिए। कल ये का एक न्यू लिस्टिंग होगी NSE में, BSE पे ऑलरेडी है, NSE पे लिस्ट होगी तो शायद अपर सर्किट लग सकता है। आज की डेट में भी लगभग 19% भागा है शेयर। और अगर हम देख लेते हैं यहाँ पर कुछ न्यूज़ से रिलेटेड, तो उस वीडियो को जाके आप डेफिनेटली देख लीजिएगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। देखिए, जहाँ हम पढ़ते हैं रिजल्ट, तो हम रिजल्ट में सब कुछ नहीं पढ़ पाते, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारे पास शॉर्ट टर्म बहुत कम टाइम होता है, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हमने शॉर्ट में निपटाते हैं। तो आठ कंपनी के रिजल्ट हम शॉर्ट में ही निपटाएंगे, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो आइए वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जो ये कंपनी है श्रेयास इंडस्ट्री लिमिटेड, इस कंपनी के रिजल्ट हम देख लेते हैं। तो कंपनी ने देखिए ₹3 का यहाँ पर डिविडेंड पे करती हुई नजर आई है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं और भी कुछ चीज़ों की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी के रिजल्ट। तो रिजल्ट आपके सामने है, जो ये रिजल्ट है इन लैक्स में यहाँ पर नजर आते हैं। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इनके रिजल्ट से रिलेटेड, ये इस बार के रिजल्ट है, ये लास्ट Q3 का रिजल्ट है, ये लास्ट Q4 के रिजल्ट है। तो यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या टोटल इनकम की हम सीधे बात करते हैं, तो इस बार का जो इनकम हुई है वो 12,250 लैक्सियन रुपीज़ में, ये इससे पहले 9,946, और इससे पहले अगर बात करें 13,612 लैक्सियन रुपीज़ पे यहाँ पर टोटल इनकम हुई होती हुई नज़र आई थी। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्वार्टरली बेस पे, तो अच्छी खासी जंप है, बट ईयरली बेसिस पे यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट हमें साफ नज़र आ रही है। बट आगे चल के हम एक्सपेंस देख लेते हैं कि कंपनी ने एक्सपेंस किसके अकॉर्डिंग करे, एक्सपेंस ज़्यादा तो नहीं करे। तो हम देखते हैं टोटल एक्सपेंस देखते हैं, तो इस बार 11,528 लैक्सियन रुपीज़ के यहाँ पर एक्सपेंस होते हुए दिखाई दिए। इससे पहले 10,294, इससे पहले बात करें 13,481 लैक्सियन रुपीज़ का यहाँ पर टोटल एक्सपेंस होता हुआ नजर आया, जो कि क्वार्टरली 22 से थोड़ा सा जंप है, बट ईयरली वाइज अच्छा खासा यहाँ पर गिरावट है, जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पर जिस तरीके से रेवेन्यू हुआ है उसी तरीके से यहाँ पर गिरावट भी मतलब एक्सपेंस भी होते हुए नजर आए हैं। अगर हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड, तो इस बार 808 करोड़ रुपये का लैक्सियन रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ नजर आया है। इससे पहले 4,271 यहाँ पर लॉस में थी कंपनी इतने लैक्सियन रुपीज़ का, और इससे पहले 160 लैक्सियन रुपीज़ का यहाँ पर कंपनी को प्रॉफिट हुआ था। तो अगर बात करते हैं ईयरली और क्वार्टरली बेसिस पे, तो यहाँ पर देख लीजिए कंपनी क्वार्टरली बेसिस पे तो मतलब नेगेटिव से प्रॉफिट में आ गई है, बट ईयरली बेसिस की बात करते हैं तो यहाँ पर कंपनी का 160 लैक्सियन रुपीज़ का एक सीधे 808 लैक्सियन रुपीज़ में चेंज होता हुआ नजर आया। तो ऐसी कंपनी पर हमें नज़र बना के रखनी है जो इस तरीके का परफॉर्म करती हुई हमें नज़र आती है। तो इसका कंपनी का नाम क्या है, श्रेयास कंपनी का नाम है। इसके अलावा हम बात करते हैं इसके बेसिक EPS की, तो ₹5.85 का EPS है इस बार का, पहले माइनस में था क्योंकि आपको पता ही है यहाँ पर कंपनी लॉस में थी, तो ₹3 माइनस में था, इससे पहले ₹1, मतलब आप बात करें तो 5 times यहाँ पर प्रॉफिट ईयरली बेसिस पे होता हुआ नजर आया। तो श्रेयास कंपनी की तरफ हम नज़रें बना के रखेंगे और इससे रिलेटेड एक अलग वीडियो बनाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे, और देखेंगे कि कंपनी क्या बिजनेस करती है, क्या क्या इसका मॉड्यूल है, कंपनी कैसी चलती है। तो इसके अलावा हम बात कर लेते हैं यहाँ पर दूसरी और कंपनी की, तो यहाँ पर आप देख लिए ये है एलेम्बिक फार्मा। एलेम्बिक आपको पता ही है किस कंपनी क्या करती हुई नजर आती है, फार्मास्यूटिकल्स में ही है ये कंपनी नजर आती है। इसने 20 पैसे का डिविडेंड आपको देते हुए नजर आया है। अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर और भी कुछ चीज़ों की, तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर रिजल्ट ओके लैक्सियन रुपीज़ में है सेम, ये इस बार के लास्ट क्वार्टर के, ये Q4 लास्ट ईयर के। टोटल इनकम की बात करें 3,066 लैक्सियन रुपीज़ का यहाँ पर इनकम है, इससे पहले 1,750 था, और इससे पहले अगर बात करें तो 6,876, मतलब अगर बात करें ईयरली बेसिस पे यहाँ पर हाफ यहाँ पर इनकम होती हुई नज़र आई है, और क्वार्टरली बेसिस पे अच्छे खासी यहाँ पर डबल कह सकते हैं। तो मतलब कंपनी ने क्वार्टरली बेसिस पे अच्छा परफॉर्म किया है, बट यहाँ पर ईयरली बेसिस पे कंपनी ने यहाँ पर कम अच्छा बकवास परफॉर्म करते हुए यहाँ पर नज़र आया है। अगर बात कर लेते हैं टोटल एक्सपेंस की, तो इस बार 2,607 लैक्सियन रुपीज़ का एक्सपेंस है, इससे पहले 1,170 था, इससे पहले बात करें 1,313। तो मतलब एक्सपेंस भी कंपनी का यहाँ पर अगर बात करते हैं, एक्सपेंस भी
क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे बढ़ता हुआ नजर आया है, क्वार्टरली बेसिस पे भी बढ़ता हुआ नजर आया है। तो कंपनी का परफॉर्मेंस कुछ खास मुझे नहीं लगता कि ईयरली बेसिस पे होगा। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड देख लेते हैं, नेट आफ्टर टैक्स यहाँ पर देख लेते हैं, तो 364 लाख इन रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ इस बार नजर आया है। इससे पहले 487 था और इससे पहले 5547 लाख इन रुपीज़, मतलब क्वार्टरली और ईयरली दोनों वाइज यहाँ पर गिरता हुआ यहाँ पर नजर आया है। तो एलम्बिक इस कंपनी का नाम है, ओके इसकी तरफ आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देख सकते हैं ये कंपनी किस में APIs वगैरह में काम करती हुई नजर आती है, एलम्बिक। यहाँ पर आप देख लीजिएगा इस कंपनी को, कंपनी में कुछ अच्छे परफॉर्म नहीं किया है तो आप इससे थोड़ा सा दूरी बना के रखना है ऐसी कंपनी से जहाँ पर परफॉर्म करती हुई नज़र ना आए। तो इसका एक बार इससे रिलेटेड भी हम वीडियो डेफिनेटली बनाएंगे ताकि हम अपने सब्सक्राइबर्स को एक बार इसके बारे में बता दें। तो यहाँ पर EPS भी देख सकते हैं, EPS भी यहाँ पर गिरता हुआ साफ नज़र आया है। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ों की बात करें और दूसरी, तो यहाँ पर देखिए आंध्रा पेपर, ओके पेपर्स के भी रिजल्ट आने शुरू हो गए। तो अगर बात करें डिविडेंड, तो आई डोंट थिंक सो इस कंपनी ने कोई डिविडेंड दिया है, बट अगर इसके रिजल्ट की बात कर लेते हैं तो ये सेम लैक्स इन रुपीज़ में यहाँ पर नज़र आ रहा है हमें। तो सेम अगर टोटल इनकम की बात करते हैं तो 36,666 लैक्स इन रुपीज़ का यहाँ पर इस बार का यहाँ पर टोटल इनकम है। इससे पहले 25,252 था, इससे पहले की बात करें तो 28,423 लैक्स इन रुपीज़ का यहाँ पर टोटल इनकम होती हुई नज़र आई थी, जो कि क्वार्टरली और ईयरली वाइज यहाँ पर काफ़ी अच्छा जंप नज़र आ रहा है, मतलब कंपनी ने इस बार बिजनेस करता हुआ दिखाई दी है। एक्सपेंस की भी बात कर लेते हैं तो 32,213 ओके लैक्स इन रुपीज़ का यहाँ पर टोटल एक्सपेंस हुआ है। इससे पहले 25,000 था, इससे पहले 23 था। तो एक्सपेंस यहाँ पर क्वार्टरली ईयरली वाइज यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया, जो कि अच्छी बात नहीं है। बट स्टिल अगर बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट की, तो इस बार का जो नेट प्रॉफिट है वो है 3,234 ओके 3,234 लैक्स इन रुपीज़ का, इससे पहले 406 था। तो क्वार्टरली वाइज पे वाइज यहाँ पर अच्छा खासा कंपनी ने परफॉर्म किया है, बट अगर ईयरली वाइज हम देखते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो यहाँ पर देख लीजिए 9,292 था, जो कि अभी 3,234 हो गया। अगर बात करें तो लगभग 3 times कम होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो ईयरली वाइज कंपनी ने काफ़ी वीक परफॉर्मेंस करता हुई नज़र आई है, बट ईयरली क्वार्टरली वाइज यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर कंपनी ने परफॉर्म किया है। तो इस कंपनी की तरफ हम ध्यान दे सकते हैं, शायद जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन यहाँ पर ये असर हो सकता है। इसके अलावा क्योंकि पेपर से रिलेटेड है, वो पेपर से रिलेटेड आपको पता ही है इंडस्ट्री, ऑफिस भी बंद है, इसके अलावा स्कूल भी बंद है, तो शायद यहाँ पर परफॉर्म करती हुई कंपनी नहीं नज़र आ सकती। तो अगर बात करते हैं EPS की, यहाँ पर EPS जो 23 का था लास्ट क्वार्टर लास्ट ईयर के Q4 में, अभी 8 का हो गया है, और एक रुपये का EPS जो लास्ट क्वार्टर में था अभी 8 रुपये का हो गया है। तो आंध्रा पेपर की तरफ आप नज़रें बना के रख सकते हैं, ओके। एज वेल एज अगर हम बात करते हैं और दूसरी कंपनी की, तो यहाँ पर गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट आपको पता ही है, इसके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में मिलते हुए नज़र आते हैं। इन करोड्स में आई थिंक नंबर ये हमें नज़र आए हैं। तो अगर हम बात कर लेते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यहाँ पर आप देख लीजिए ये इस बार के नंबर हैं, ओके ये लास्ट क्वार्टर के, ये Q4 के, ये क्वार्टरली वाइज हम देखेंगे। तो अगर बात करते हैं टोटल इनकम की, तो 2747 लाख रुपीज़ का यहाँ पर इनकम होती है नज़र आई है। लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 3,070 crore का यहाँ पर इनकम थी। इससे पहले बात करें अगर Q4 की लास्ट ईयर, तो 2,202, तो ईयरली वाइज यहाँ पर अच्छी खासी जंप है, बट क्वार्टरली वाइज यहाँ पर कंपनी लगभग 300 crore रुपये या कह सकते हैं कि 250 crore रुपये यहाँ पर कम इनकम करती हुई नज़र आई है। बट यहाँ पर एक्सपेंस देख लेते हैं, टोटल एक्सपेंस इस बार का 2,259 crore रुपये का है, इससे पहले 2,435 था, इससे पहले 1,791 crore रुपये का यहाँ पर एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस यहाँ पर क्वार्टरली वाइज यहाँ पर कम होता हुआ नजर आया, बट ईयरली वाइज यहाँ पर ईयरली वाइज बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। इसके अलावा बात कर लेते हैं सीधे प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो इस बार 424 crore रुपये का प्रॉफिट होता हुआ कंपनी को नजर आया, इससे पहले 442 crore था। तो क्वार्टरली वाइज यहाँ पर गिरावट है, बट ईयरली वाइज अगर देखते हैं तो 337 crore का प्रॉफिट अब 424 crore रुपये के प्रॉफिट में तब्दील हो चुका है। लगभग अगर बात करें 90 करोड़ के आसपास यहाँ पर कंपनी को प्रॉफिट होता हुआ नजर आया है। अगर बात कर लेते हैं ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, अब बात कर लेते हैं NPAT प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो अभी बात करते हैं 365 crore रुपये का टैक्स देने के बाद कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। इससे पहले 502 crore रुपये था लास्ट क्वार्टर में, और 229 crore रुपये का प्रॉफिट था यहाँ पर लास्ट ईयर में। तो कंपनी को अच्छा खासा अगर बात करें ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट होता हुआ नजर आया है। तो कल
की रेट में शायद ये कंपनी भागती हुई आपको नजर आ सकती है। बाकी डिविडेंड कोई अनाउंस नहीं किया आई थिंक, तो इसको देख सकते हैं। बाकी आपको सेगमेंट वाइज देखना है कि क्या किस किस तरीके से कंपनी ने क्या क्या खर्च किया है एज वेल एज किस तरीके से पैसे अर्न करे है, तो यहाँ पर आप नीचे जाके और इनकी वेबसाइट पर देख सकते हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, वर्क इन प्रोग्रेस जो भी कुछ है वो आपको यहाँ पर सब कुछ दिखाई दे देगा। इसके अलावा दूसरी कंपनी की बात करते हैं तो ये लिंडे इंडिया, लिंडे इंडिया देखिए काफ़ी फेमस हुई थी। ओके, इस कंपनी ने भी कोई डिविडेंड देता हुआ नज़र नहीं आई थी। ऑक्सीजन की वजह से ये काफ़ी फेमस कंपनी नज़र आती है। बिलियन रुपीज़ में यहाँ पर आपको रिजल्ट पेश करते हुए दिखा रहा हूँ। तो अगर बात करें ये इस बार के क्वार्टर के रिजल्ट है, ये लास्ट क्वार्टर के और ये Q4 लास्ट ईयर के हैं। तो टोटल इनकम की अगर हम बात करते हैं तो इस बार 4455 मिलियन रुपीज़ का यहाँ पर इनकम होती है नज़र आई है। इससे पहले 4779 मिलियन रुपीज़ था। इससे पहले बात करें 3937.94 मिलियन रुपीज़ था। ईयरली और क्वार्टरली वाइज अगर हम बात करते हैं तो देखिए ईयरली वाइज यहाँ पर कंपनी ने अच्छी जंप लगाई है, बट क्वार्टरली वाइज थोड़ी बहुत फ्लैट कह सकते या थोड़ा कमजोर यहां पर परफॉर्मेंस करती हुई नजर आई है। क्योंकि जिस तरीके से इस बार इनके ऑक्सीजन बिके हैं आई थिंक इस कंपनी को और ज्यादा रिवेन्यू करना चाहिए था, बट कोई नहीं, यहां पर देखते हैं टोटल एक्सपेंसेस कुछ और भी चीजें हो सकती है। शायद टोटल एक्सपेंस की बात करें 3551 करोड़ के एक्सपेंस इस बार हुए। इससे पहले 3933 मिलियन रुपीज के थे, इससे पहले 3372। तो क्वार्टरली वाइज यहां पर गिरावट एक्सपेंस में, ईयरली वाइज यहां पर थोड़ी बहुत जंप है। अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3026 मिलियन रुपीज़ का प्रॉफिट है, जो कि क्वार्टरली वाइज एज वेल एज ईयरली वाइज अच्छा खासा परफॉर्म करके कंपनी ने दिखाया है। मतलब 622 मिलियन रुपीज़ का प्रॉफिट आज के डेट में 3026 है क्वार्टरली वाइज, और 390 करोड़ का जो ईयरली एक साल पहले था अभी अब देखें तो 3026 मिलियन रुपीज़ का प्रॉफिट है। तो कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म करते हुए यहाँ पर पेश कर दिया है। ओके, तो इस कंपनी की तरफ आप ध्यान बना के रख सकते हैं। ओके, यहाँ पर एक्सेप्शन आइटम्स वगैरह भी यहाँ पर एडजस्ट किए गए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट इस वजह से होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए इस कंपनी के ऊपर, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर कंपनी ने रिजल्ट पेश करे है, जो EPS भी है बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपको पता ही है EPS बढ़ता ही है, 4 रुपये का EPS 35 के EPS में और 7 रुपये का EPS जो Q3 में था वो Q4 में 35 में चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब 5 गुना यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस एज वेल एज ईयरली बेसिस की भी बात करें तो लगभग 9 टाइम्स यहाँ पर चेंज बदलता हुआ नजर आ रहा है। तो लिंडे इंडिया की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। एज वेल एज अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर मैट्रिमोनियल, यहाँ पर आपको पता ही है मैट्रिमोनियल अगर बात करें, ये आपको पता ही है क्या मतलब होता है इसका। मैट्रिमोनियल मतलब शादी विवाह से रिलेटेड जो वेबसाइट होती है। और अगर बात करें एक और shaadi.com या फिर jeevansaathi.com आई थिंक इन्फो एज का है, तो इन्फो एज का जो शादी jeevansaathi.com है उससे हमें आइडिया मिल जाएगा कि क्या इस कंपनी के रिजल्ट से हमें आइडिया मिल जाएगा कि उसका के किस तरीके से रिजल्ट पेश होंगे। अगर पहले डिविडेंड की बात कर ले तो कंपनी ने शायद 3.50 रुपये का यहाँ पर डिविडेंड पेश करती हुई मिली है, तो इस बात को देखिएगा। बाकी ये जो रिजल्ट है इन लैक्स में है, तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इनकम की। टोटल इनकम देखिए 10,506 अगर बात करें लैक्स इन रुपीज़ का यहाँ पर इनकम है। इसके बाद लास्ट क्वार्टर की बात करें 10,040 था। अगर बात करें ईयरली बेसिस पे तो 9,869 लैक्स इन रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पर 10,506 में चेंज होता हुआ। तो क्वार्टरली ईयरली दोनों वाइज यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म करके अभी कंपनी ने दिखाया है यहाँ पर इनकम में। एज वेल एज अगर बात करते हैं एक्सपेंसिस की, तो कंपनी के एक्सपेंस यहाँ देख लेते हैं 9,153 लैक्स इन रुपीज़ है इस बार के, 8,589 लास्ट टाइम के थे और 8,950 Q4 के थे लास्ट ईयर में। तो अगर बात करें ईयरली क्वार्टरली यहाँ दोनों बेसिस में यहाँ पर जंप है एक्सपेंसेस में, बट अगर बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड तो इस बार 1,012 लैक्स इन रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले 1,101 लैक्स इन रुपीज़ का प्रॉफिट था, इससे पहले 677 लैक्स इन रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट था। मतलब क्वार्टरली और ईयरली वाइज यहाँ पर क्वार्टरली वाइज थोड़ा सा यहाँ पर गिरावट है प्रॉफिट में, बट ईयरली वाइज यहाँ पर देखेंगे तो ईयरली वाइज अच्छा खासा यहाँ पर परफॉर्म करती हुई कंपनी नजर आ रही है। तो आप इस कंपनी की तरफ ध्यान दे सकते हैं। मैट्रिमोनियल अच्छे खासे इसके रिजल्ट ठीक ठाक रिजल्ट है। यहाँ पर देखिए EPS 4.44 रुपये का है इस बार, लास्ट टाइम 484 का था। इससे पहले बात करें तो 2.98 रुपीज़ का यहाँ पर EPS था। तो कंपनी ने क्वार्टरली ईयरली वाइज अच्छा खासा यहाँ पर 2 गुना यहाँ पर कह सकते हैं कि परफॉर्म करती हुई दिखाई दी है।
इसके अलावा और दूसरी कंपनी की बात करें तो न्यूलैंड, न्यूलैंड भी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी नज़र आती है। अगर बात करें डिविडेंड की तो इसने भी 3 रुपये का यहाँ पर डिविडेंड दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनल डिविडेंड 3 रुपये का। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर और भी कुछ चीज़ों से रिलेटेड तो यहाँ पर इनके रिजल्ट आपके सामने हैं और जो ये रिजल्ट हैं इन लैक्स में है। ओके और यहाँ पर हम देख लेते हैं ये सेम पैटर्न है। तो यहाँ पर टोटल इनकम की बात करें तो 25,930 लाख रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है इस बार, लास्ट टाइम सॉरी इनकम हुआ है, और लास्ट टाइम 24,558 लाख था रुपीज़ था, इससे पहले 19,364। क्वार्टरली ईयरली वाइज यहाँ पर कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है न्यूलैंड ने। एज वेल एज बात करें यहाँ पर टोटल एक्सपेंस की तो यहाँ 23,498 लाख रुपीज़ का यहाँ पर एक्सपेंस इस बार का है, 21,000 का लास्ट टाइम था, और Q4 लास्ट ईयर की बात करें 70,656 था। अगर बात करते हैं यहाँ पर ईयरली और क्वार्टरली वाइज यहाँ पर प्रॉफिट की इस तो सीधे यहाँ पर देख लेते हैं तो इस बार का जो प्रॉफिट है 1,722 लाख रुपीज़ है, इससे पहले 2,667 था, इसके पहले तो कंपनी नेगेटिव में थी। मतलब कंपनी ने अगर Q4 लास्ट Q4 की बात करें एक साल पहले तो 935 लाख रुपीज़ का यहाँ पर कंपनी को लॉस था। तो ईयरली वाइज तो यहाँ पर कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म करते दिखाया है, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव में आ गई है। और अगर बात करें यहाँ पर क्वार्टरली वाइज तो यहाँ पर क्वार्टरली वाइज यहाँ पर गिरावट नज़र आ रही है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेंस यहाँ पर सब चीज़ चेंज होता हुआ नज़र आया है। अगर EPS की बात कर लेते हैं तो 13.43 रुपये का EPS इस बार का है, 20 रुपये का लास्ट टाइम था, और इससे पहले 7 रुपये नेगेटिव में यहाँ पर EPS था। तो कंपनी ने ईयरली वाइज अच्छा खासा परफॉर्म किया बट क्वार्टरली वाइज यहाँ पर गिरावट है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में देना होगा। बाकी कंपनी अच्छी खासी हमें नज़र आती है, इससे रिलेटेड भी हम एक अलग वीडियो जरूर बनाएंगे। ग्रैनुल्स इंडिया आप बात कर लेते इसके रिजल्ट से रिलेटेड तो इस कंपनी ने भी 75 पैसे का यहां पर डिविडेंड देते हुए नजर आई है। इसके अलावा अगर हम इसके रिजल्ट्स की तरफ नीचे आ जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा यहां पर रिजल्ट, तो ये यहां पर देख लेते हैं, ये भी स्टैंड अलोन रिजल्ट है, लैक्स इन रुपीस में है। तो यहां पर अगर हम देख लेते हैं टोटल इनकम तो 78,461 लाख रुपीज़ का यहां पर इस बार की इनकम है, लास्ट टाइम 77,896, इससे पहले बात करें तो 50,369। मतलब ईयरली वाइज तो कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है, क्वार्टरली वाइज लगभग फ्लैट ही कह सकते हैं, लगभग 500 लाख रुपीज़ का यहाँ पर ज़्यादा जंप नज़र आ रही है। बाकी एक्सपेंस की बात करते हैं, इस बार एक्सपेंस देखिए 59,489 है, जो कि लास्ट टाइम से कम होते हुए नज़र आ रहे हैं, इससे पहले 61 थे, इससे पहले 42 थे, तो यहाँ पर क्वार्टरली वाइज एक्सपेंस कम होते हुए नज़र आए हैं। अगर प्रॉफिट फॉर द पीरियड देख लेते हैं 14,225 लाख रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट इस बार का है, 13,105 का लास्ट टाइम का था, और इससे पहले बात करें 20,175 का था। मतलब अगर बात करते हैं प्रॉफिट का तो यहाँ पर प्रॉफिट ईयरली वाइज यहाँ पर गिरता हुआ नज़र आ रहा है, ओके बट अगर बात करते हैं क्वार्टरली वाइज यहाँ पर थोड़ी बहुत यहाँ पर जंप नज़र आ रही है। और यहाँ पर ये सब कुछ चेंज कैसे हुआ है तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर शायद बहुत सारे एक्सेप्शंस आइटम्स या फिर एक्सपेंस वगैरह यहाँ पर कम होता हुआ नज़र आया है, इस वजह से यहाँ पर सारी की सारी गाथा ओके यहाँ पर चेंज होती हुई नज़र आई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओके यहाँ पर एक्सपेंस, यहाँ पर अगर Q4 की एक्सपेंस की बात करें लास्ट ईयर तो यहाँ पर एक्सपेंस बिल्कुल कम कर दिए थे, ओके बेशक से इनकी इनकम ज़्यादा नहीं हुई थी बट यहाँ पर एक्सपेंस बिल्कुल कम कर दिए थे, बट यहाँ पर एक्सपेंस के साथ साथ यहाँ पर इनकम तो ज़्यादा हुई बट एक्सपेंस यहाँ पर कम बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होता हुए दिखाई दिया, इस वजह से यहाँ पर देखिए कंपनी का ईयरली बेसिस पे यहाँ पर कंपनी पिछड़ गई, क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर थोड़ा बहुत जंप है। तो इस कंपनी की तरफ नज़र बना के रख सकते हैं, कंपनी एक्सपेंस अगर थोड़ा सा कम कर ले तो और ईयरली बेसिस पे भी अच्छा खासा परफॉर्म कर सकती थी। EPS 7 रुपये का EPS इस ईयरली वाइज अगर देखें तो 5 रुपये का हो गया है, और लगभग ये क्वार्टरली वाइज यहाँ पर फ्लैट हमें नज़र आ रहा है। तो ये कुछ कंपनीज थी, अगर बात करें ग्रैनुल्स इंडिया ठीक ठाक रिजल्ट है, एज वेल एज बात करते हैं हम यहाँ पर न्यूलैंड, इसके भी रिजल्ट ठीक ठाक ही हमें नज़र आते हैं। अगर हम बात करते हैं मैट्रिमोनियल, इसके भी रिजल्ट ठीक है। बात करते हैं लिंडे इंडिया, तो लिंडे इंडिया के परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, कल की डेट में शायद ये भागता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा यहाँ पर गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, इसके भी रिजल्ट ठीक ठाक है। इसके अलावा यहाँ पर आंध्रा पेपर के रिज़ल्ट भी ठीक है, कि ईयरली बेसिस यहाँ पर गिरावट है जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। एलम्बिक के रिज़ल्ट इतने खास नहीं लगे मुझे, बाकी शेयर्स के रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे हैं। तो इन 8 कंपनीज़ के रिज़ल्ट मैंने आपके सामने पेश करे हैं, तो आप यहाँ की तरफ ध्यान दे सकते हैं इन कंपनीज़ की तरफ, क्योंकि रिज़ल्ट पढ़ने से हमें एक आइडिया आ जाता है। बाकी
कोई भी पोजीशन लेने से रिलेटेड मैं आपको कोई सजेशन अभी नहीं दूंगा, एक बार हम इसके फंडामेंटल्स एक बार फाइनेंशियल्स चेक जरूर कर लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से की डेफिनेटली हेल्प लीजिए, खुद की स्टडी करिए। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए, और आपको किसके रिजल्ट अच्छे लगे आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बाकी और किसी पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड आपको रिजल्ट चाहिए तो आप नीचे कमेंट करिए, हम उसके यहाँ पर रिजल्ट पेश कर देंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर करिए, और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरह की वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।